Students, welcome back on my YouTube channel. Students, in this video we are going to learn class 6 English worksheet number 9. This worksheet is for 4th of August. Students, in the earlier worksheets we have learnt about use of a and vowels, consonants. So in this video we are going to continue use of a और n. प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम a और n का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे. ये वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए बनाऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में डिक्टेट करता रहूंगा. हमने पिछली वर्कशीट में आपने देखा कैसे a और n का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, वो हमने रूल्स पढ़े और उनके बारे में जो प्रैक्टिस दी गई थी, जो अभ्यास के प्रश्न थे उनको हमने किया था. चलिए शुरू करते हैं. यहाँ भी वी यूज़ ए आर एन व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, वन एनिमल, वन प्लेस और वन थिंग. जाहिर सी बात है ए या एन का प्रयोग हम तभी करते हैं जब केवल एक व्यक्ति, एक जानवर, एक स्थान या एक वस्तु के बारे में बात करते हैं. जैसे एन अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला छाता कितना है, एक है, तो हम क्या लिखेंगे, एन. और एन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला यू से शुरू होता है, यू एम, तो यू से, यानी यू क्या है, वॉवेल है. और जो वर्ड, जो नाउन वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, एन का. ये बॉय, क्योंकि ये बॉय है या चाइल्ड है, तो आप चाइल्ड लिखेंगे या बॉय. तो बी या सी से जो है स्टार्ट हो रहा, दोनों कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे. बनाना, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा ए लगाएंगे. एलिफेंट, ई से स्टार्ट हो रहा एन एलिफेंट होगा. आइसक्रीम, आई से स्टार्ट हो रही है और आई क्या है, वॉवेल है, एन का यूज़ होगा. एरोप्लेन, ए से होता है, एन होगा क्योंकि वो वॉवेल है. साइकिल, क्योंकि सी से, तो ए यूज़ होगा. और आगे हम ये एन लगाएंगे. ऑमलेट, ये पीकॉक, पी से है, ए लगेगा. आगे हम चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए आर एन, आपको ए आर एन से फिल करना है ब्लैंक्स को, तो स्टार्ट करते हैं. माई मदर इज टी, टी से है, ए लगाएंगे, अ टीचर. सुधा ईट्स एप्पल, ए से है, एन एप्पल. अम्ब्रेला, एन लगेगा. आई वॉट टॉय, टी है, तो ए टॉय. सी हैज़ नेवर सीन इग्लू, एन लगेगा क्योंकि आई से स्टार्ट है. देयर इज एन, क्योंकि ओ से स्टार्ट आउल है. तो इसे देखिए, जो वर्ड अगर वॉवेल से स्टार्ट होगा, वॉवेल में क्या आता है, ए ई आई ओ यू, इनसे स्टार्ट होगा, वहाँ एन लगेगा, रेस्ट जो बचेंगे उनके साथ एक आई यूज होगा. आगे चलते हैं. फिल विथ ए आर एन से आपको भरना है. ऑन, यस से है, तो अ सनी डे, मतलब एक अ सनी डे आई वेंट टू द मार्केट, यानी एक सनी डे मतलब जहाँ धूप होती है, धूप का दिन था और मैं बाजार गया. आई वॉन्टेड टू बाई, पी से है, तो अ पेयर ऑफ सॉक्स एंड अ टॉय फॉर माई लिटिल ब्रदर. दोनों देखिए टी और पी से हैं, तो अपने भाई के लिए मैंने एक जोड़ी मोजे और एक खिलौना लिया. इन द मार्केट आई मेट अ फ्रेंड, ही वॉज ईटिंग एन आइसक्रीम. वेन वी वर टॉकिंग इट स्टार्टेड टू रेन, ही वेंट अवे विथ हिज मदर व्हाइल आई बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम अ शॉप. शॉप मतलब दुकान, यस से है. आई सॉ सम पीपल वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टॉप. आई वेंट टू अ टी स्टॉल, टी से स्टार्ट है तो आ लगेगा. आई बॉट अ कप ऑफ टी एंड इन्जॉय द रेन. आई सॉ एन ओल्ड मैन, क्योंकि ओ ओल्ड बूढ़ा, यानी ओ से स्टार्ट है, तो एन ओल्ड मैन. ही वॉज गेटिंग वेट. आई वेंट टू हिम, आई गेव हिम माई अम्ब्रेला, ही ब्लेस्ड मी. तो ये पूरी स्टोरी है कि बाजार गया, वहाँ पे उसने अपने भाई के लिए क्या क्या खरीदे, एक दोस्त मिल गया, वहाँ पे उसने फिर आइसक्रीम खाई, या वो बारिश होने लगी, तो ही अपनी मदर के साथ गया और वहाँ पे एक अम्ब्रेला लिया और फिर शॉप, एक दुकान देखी, वहाँ पे उसने कई सारे लोग बस स्टॉप पे वेट कर रहे थे, और वहाँ पे उसने टी स्टॉल देखा और वहाँ पे एक कप चाय पी, और उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जो है भीग रहा है, तो उसकी हेल्प करने के लिए गया, उसे अपना छाता दिया और उसने इसे ब्लेस किया, आशीर्वाद किया. तो स्टूडेंट्स, आपकी ये वर्कशीट यहीं समाप्त होती है.
आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और बच के रहें। आपकी वर्कशीट्स आपके पास आ रही हैं, इन्हें करिए। ऑनलाइन क्लासेस जो आपके टीचर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको पार्टिसिपेट करिए और इंजॉय करते रहिए। थैंक यू।